दोस्तों आज फिर से स्टॉक मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिली। निफ्टी 1.5% के आसपास गिरावट आई। निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडेक्स की बात करें, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, सभी इंडेक्सेस में एक गिरावट आज देखने को मिली है। तो काफ़ी सारे लोगों के सवाल यहां पर आते हैं कि क्या अब लमसम करने का टाइम हमारा आ चुका है। तो सबसे पहले देखिए मार्केट की कंडीशंस को यहां पर समझते हैं। मार्केट में अगर आप निफ्टी की बात करेंगे, एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन फेज में निफ्टी चल रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। रिसेशन आने वाला है यूएस में, नहीं आने वाला? यूएस में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो कम होंगे, नहीं होंगे? कब तक कम होंगे? कब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होगा? ये सब चीज़ों की वजह से अनसर्टेनिटी मार्केट में यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जितनी भी ये बातें हैं, इन्फ्लेशन की बात है, इंटरेस्ट रेट की बात है, काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी प्राइज्ड इन है। अब वेट हो रहा है कि या तो कोई अच्छी न्यूज़ आए, जैसे कि अभी इन्फ्लेशन के नंबर्स जो आएंगे यूएस के सितंबर के, वो अगर अच्छी तरह एक ड्रामेटिकली कम हो जाते हैं तो ये मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होने वाली है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो नेगेटिव न्यूज़ होगी। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ फिर से डिफाइन करेगी कि मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी या फिर आपको एक अच्छी रिटर्न्स वहाँ पर मिलेगी। तो इन अनसर्टेनिटी के बीच यहाँ पर 16,500-16,600 के आसपास मार्केट में एक अच्छी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। निफ्टी के 16,800 के लेवल काफी क्रिटिकल लेवल है। काफी लंबे टाइम से निफ्टी ने कई बार इस लेवल्स पे सपोर्ट दिखाया, तो अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास निफ्टी आ चुका है। 16,800 से नीचे जाएगा तो हो सकता है 16,400-16,200 के नेक्स्ट जो अच्छा सपोर्ट है वहां तक निफ्टी जा सकता है। तो इन चीजों का आपको यहां पर ख्याल रखना है अगर आप यहां पर इस वक्त इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए, आपको आने वाले 2-4 महीने के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर आप नहीं चल सकते हैं। वॉलेटिलिटी आपको मिलने वाली है एटलीस्ट अगले 5-6 महीने तक। आज से 1 महीने पहले तक काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि दिवाली तक निफ्टी 20,000-21,000 जाएगी। आज वो लोग कहीं नज़र नहीं आते हैं और वो लोग इस बारे में अब बात भी दोबारा से नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ भी अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना किसी रीज़न के मार्केट नहीं बढ़ सकती। या तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए। अब 10 अक्टूबर से इंडिया में सेकेंड क्वार्टर की कंपनीज़ के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मेजर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, इन कंपनीज़ के रिजल्ट आने लगेंगे। अगर इनके रिजल्ट्स उम्मीद से अच्छे आते हैं तो इंडियन मार्केट में आपको एक अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलने वाली है। लेकिन उम्मीद से खराब आते हैं तो फिर से आपको एक कंसोलिडेशन मोड ही दिखेगा। तो ये सब चीजों पे अभी मार्केट चल रही है। आने वाले टाइम का वेट हो रहा है कि कैसे कोई एक अच्छी या कोई खराब न्यूज के ऊपर यहां पर आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट होने वाली है। बात आती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हम सब लोग हैं उनको इस वक्त क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 18,000 से गिर के 16,800 या 17,000 की रेंज में अगर आप लमसम इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो ये एक अच्छा मौका है। अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया था, 17,000 के लेवल्स पे मैंने जब इससे एक हफ्ते पहले गई थी तब भी मैंने आपको बोला था कि एक इंस्टॉलमेंट आपकी 20-25% की इस मौके पर जा सकती है। चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप गुड क्वालिटी की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, दोनों में आप अपनी इन्वेस्टमेंट 20-25% टोटल जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस वक्त आपका जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, बॉटम कोई नहीं बता सकता। मार्केट 15,000 जाएगी, 14,000 जाएगी, 10,000 जाएगी, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? मार्केट हर 1,000 पॉइंट पे हम 10-20% पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि पैसा की मार्केट कितनी गिरेगी। पैसा है तो लमसम करने के बारे में सोच रहे हो, तो अगर नहीं करते हो लमसम, SIP कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो जितनी SIP चल रही है उसको उसी तरह चलने दीजिए। क्योंकि 1-2 दिन पहले काफी सारे लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि क्या हमें अब रिडीम कर लेना चाहिए, क्या हमें बेचकर निकल जाना चाहिए। आपको ये गलती नहीं करनी है। जैसे इन्वेस्टमेंट चल रही है, जितनी इन्वेस्टमेंट चल रही है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको बने रहना है। बिल्कुल इस बारे में आपको नहीं सोचना है कि मुझे बेचना है, क्योंकि हो सकता है कल एक अच्छी न्यूज आ जाए, कल ये न्यूज आ जाए कि रशिया और यूक्रेन की वॉर खत्म हो गई, मार्केट में आपको जबरदस्त रिटर्न मिलेगी, वो रिटर्न आप मिस कर जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो पेशेंस रखिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं चलने दीजिए। अगर कंपनी स्पेसिफिक हैं तो हम
चैनल पे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के बारे में बात की है जो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं, अच्छे प्राइजेस पे मिल रही हैं। वो कंपनी अभी भी अच्छे अच्छे प्राइजेस पे मिल रही हैं, उनको आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी रिस्क के हिसाब से जो कंपनीज आपको समझ आती हैं उनमें आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहिए। चाहे महीने के आप 5,000 सेट कर लीजिए कि मार्केट की कोई भी कंडीशन हो, ये 10 शेयर मैंने पकड़ लिए, इन 10 शेयर में जब जब ये गिरावट आएगी मैं 1,000 रुपये, 500 रुपये, जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आप अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं उसमें इन्वेस्ट करता रहूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि निफ्टी 18,000 पे है या निफ्टी 15,000 पे है, मेरा शेयर कितने प्राइस पे है वो हमारे लिए मैटर करेगा। और वही चीज मैं आपको लगातार बोलता आ रहा हूं, जब मार्केट 18,000 पे थी तब भी मैंने यही चीज बोली थी, अभी भी मैं यही चीज बोलूंगा कि आपको अपने शेयर्स पे ध्यान देना है कि आपके जो शेयर्स हैं वो कितना गिरे हुए हैं, क्या वो उनमें अभी इन्वेस्टमेंट का चांस है या नहीं है, क्या वो अपने नीचे सपोर्ट लेवल्स पे आए हुए या नहीं आए हुए। तो अगर आए हुए तो एक इंस्टॉलमेंट आपकी वहां पर जानी चाहिए। मार्केट में क्या होने वाला है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है और उसके हिसाब से आप लगातार इन्वेस्ट करते रहिए। और स्पेसिफिकली वो लोग जो कल परसों वीडियो में कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या हमें रिडीम कर लेना चाहिए, बिल्कुल भी रिडीम करने के बारे में आपको नहीं सोचना है। ऑलरेडी 1.5 साल हो चुका है जब मार्केट में रिटर्न्स नहीं आई है, हो सकता है 6 महीने, 8 महीने, साल भर और रिटर्न ना आए, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट इन नीचे के लेवल्स पे आप आने वाले 6-8 महीने, साल भर में करने वाले हो, जो आपने पिछले 1 साल में की है, आने वाले टाइम में वही इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छी रिटर्न्स देगी। तो इसीलिए बने रहिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगातार करते रहिए। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।